हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफ सिविल इंजीनियर्स। मैं इंजीनियर शाकिर अली आज आपको बताने वाला हूँ कि आप फुटिंग में लगने वाली जो बार्स होती हैं उनको कैसे कैलकुलेट करोगे बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों मैं आपको एक्सेल में ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कैलकुलेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको जो फुटिंग का डायमेंशन है, जो उसमें बार्स लगी हुई हैं, जो उसका एरिया है वो आपको पुट करना है, जो कवर्स हैं वो आपको डालना है। चलिए दोस्तों हम अपने केस में आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि एक देख पा रहे हो, हमारे पास एक फुटिंग है जिसका डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन जो है जो 4 मीटर का है और वाई डायरेक्शन जो है वाई 3 मीटर का। दोस्तों तो ये हमारी फुटिंग की साइज़ है, 3x4 मीटर की फुटिंग है। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें सारे बार्स कैसे प्लेस किए गए आपको दिखाए गए हैं। जो वाई डायरेक्शन का बार है दोस्तों, इसको हम मेन बार कहते हैं, क्योंकि जो छोटा लेंथ होता है उसको हम मेन बार कहते हैं और जो बड़ी लेंथ होती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं। तो ये वाली जो लेंथ है दोस्तों, ये मेन बार की है, और ये जो लेंथ है दोस्तों, ये वाली जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार की है। चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं, आपको अच्छे से डिटेल्स बताते हैं इस फुटिंग में क्या क्या दी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये फुटिंग को दिखाया गया है, साइड व्यू है इसका। तो यहाँ पे दिखाया गया दोस्तों कि ये फुटिंग है और इस पर ये जो मेन बार ऐसे प्लेस की गई है, और उस पर डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको रेड कलर में दिख रही होगी छोटी छोटी करके, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार प्लेस की गई है। इस फुटिंग में दोस्तों जो कवर यूज़ किया गया है वो 50 mm का यूज़ किया गया है, साइड में भी 50 mm का कवर, इस साइड भी 50 mm, बॉटम भी 50 mm और टॉप में भी 50 mm का कवर यूज़ किया गया है। दोस्तों ये जो कॉलम है, जो स्टील यूज़ किया गया है दोस्तों, इसकी भी डायमीटर 12 mm है जैसा कि आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे जो फुटिंग में जो स्टील यूज़ किया गया है उसके भी डायमीटर 12 mm है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे फुटिंग का प्लेसमेंट दिखाया हुआ है कि आपको एक बार ऐसे लगानी है और एक बार ऐसे लगानी, यानी एक बार आपको एक्स डायरेक्शन के जो है ऐसे प्लेस करनी है जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया, और दूसरी बार ऐसे प्लेस करनी है, और बीच में दोस्तों इसका कॉलम आएगा जहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम 1, यानी ये कॉलम 1 के लिए ये फुटिंग रेडी की गई है। तो इस तरह से दोस्तों ये फुटिंग की कुछ डिटेल्स हैं। अब इसी डिटेल्स के बिना पर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप फुटिंग में सरिया कैलकुलेट करोगे। बिल्कुल आसान सा तरीका हमने यहाँ पर एक BBS बना रखा है आपके लिए, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करने वाला है। आपको बस यहाँ पर फुटिंग की डायमेंशन पुट करनी है और सारी चीज़ें डालनी है, उसके बाद ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि कितना सरिया आपकी एक फुटिंग बनाने में लगेगा। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं किस तरीके से आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेंगे अपना BBS। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको डिटेल्स दिखा रखी हैं फुटिंग की, देखिए यहाँ पर फुटिंग के जो एक्स डायरेक्शन की साइज थी वो थी 4 मीटर की, और वाई डायरेक्शन की जो साइज थी वो थी 3 मीटर की, और कवर दोस्तों हमने आपको 50 mm दिखाया था, 50 mm चारों साइड लगना है। यानी इसका अगर आपकी फुटिंग ऐसी है तो यहाँ पे जो कवर दोस्तों ऐसे चारों तरफ से 50 mm, इधर से भी 50 mm देना है, इधर से भी आपको 50 mm, टॉप में भी 50 mm, बॉटम में भी 50 mm देना है, यानी इसका जो कवर दिया हुआ है दोस्तों वो 50 mm का दिया हुआ है। चलिए दोस्तों यहाँ पे फुटिंग की जो डेप्थ है दोस्तों वो 300 mm की है, फुटिंग की डेप्थ 300 mm की है और स्पेसिंग 150 mm की है। चलिए मैं आपको डेप्थ और स्पेसिंग दिखा देता हूँ। टाइप बार जो है 12 mm की मैंने आपको बता रखी है, मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि डेप्थ क्या होती है फुटिंग की। दोस्तों ये जो फुटिंग की जो हाइट है ना, उसी को फुटिंग की डेप्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि 300 mm की डेप्थ है, इस फुटिंग की डेप्थ जो है वो 300 mm की है, और कब जो डाया यूज़ हुआ है सरिया का वो है 12 mm का यूज़ हुआ है इसमें। और मैंने आपको बताया कि स्पेसिंग क्या होती है दोस्तों, मैं वो आपको बता देता हूँ। अब देख लो, इस सरिया से लेके ये सरिये के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है, ये जो बीच बीच में आपको खाने खाने दिख रहे हैं चार, ये जो गैप दिख रहा है दोस्तों, इसको स्पेसिंग बोलते हैं। यानी एक सरिया से दूसरी सरिया को कितनी दूरी पर रखना है उसको स्पेसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है 150 mm की आपको स्पेसिंग यहाँ पे मेंटेन करनी है। चलिए दोस्तों हम आगे बताते हैं आपको कैसे आप कैलकुलेट करोगे बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर आपका हमने दिखा दिया कि स्पेसिंग आपने 300 150 रख ली, फुटिंग की डेप्थ जो है आपने वो 300 रख ली। अब दोस्तों अब बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, फुटिंग की साइज़ जो एक्स डायरेक्शन की थी वो 4000 mm की थी, जब उसमें से हम कवर माइनस करेंगे बोथ साइड का, यानी दोनों साइड के जब कवर माइनस करेंगे तो उसकी इफेक्टिव जो लेंथ आएगी वो दोस्तों आएगी 3900 mm, यानी कि 3 मीटर 900 mm। और ठीक उसी तरह वाई जो है, वाई एक्स की दूरी जो है, वाई बार की दूरी जो है वो 2900 mm आएगी, क्योंकि इसमें भी सेम दोनों साइड का कवर घटा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये जो उनकी इफेक्टिव लेंथ है इसी से हमको कटिंग लेंथ निकालनी है, क्योंकि हमें जो कवर देना है उसमें हमको सरिया नहीं लगानी थी, इसलिए हम बोथ साइड से उसको माइनस कर देंगे। इसलिए हम आगे बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमने लिखा है बार एलोंग एक्स डायरेक्शन 21 नंबर, और ये 27 नंबर वाई डायरेक्शन में। तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर देगा, बस आपको यहाँ पर फुटिंग के सारे जो डायमेंशन दिए हुए हैं, सारी जो चीज़ें दी हुई हैं वो पुट करना है।
हमारे केस में दोस्तों जैसे कि हमारी फुटिंग जो है वो 4 मीटर की बाय 3 मीटर की है, तो हमारी जो कटिंग लेंथ आई है 3.252 मीटर आई है और दूसरी जो कटिंग लेंथ आई है 3.90 मीटर आई है। इसमें दोस्तों आपका बोथ साइड का बेंड लेकर के ये बताया गया है, यानी कि आपका ये वाला बेंड लेकर के ये कटिंग लेंथ आई हुई है। और ये बेंड कितना है दोस्तों, ये दोस्तों आपका बेंड होता है 90 डिग्री का ये बेंड है। तो ये आपका बेंड कितना होगा, जैसे कि आपको ऊपर ये वाला एरिया कितना आपको वो करना है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 300 mm की आपकी डेप्थ है, 300 mm, तो आपको बोथ साइड से कवर क्या करना है, बॉटम से कवर माइनस करना है और टॉप से कवर माइनस करना है, यानी कि 50-50 mm का कवर है तो आप इसमें से 100 mm माइनस कर दोगे तो दोस्तों ये बचेगा आपका 200 mm, बचेगा 200 mm। तो ये जो आपको एल बनाना है दोस्तों, ये जो आपकी एल होगी ये होगी यहाँ से लेके यहाँ तक 200 mm की, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने हमारे केस में जो फुटिंग का साइज है ये दोस्तों, तो हमारी कटिंग लेंथ ये आई है और हमने यहाँ पे एक फुटिंग के निकाली है। देखिए यहाँ पे दोस्तों हमने लिखा हुआ नंबर ऑफ फुटिंग कितनी है हमारी, एक, तो हमने एक फुटिंग के लिए डाटा कैलकुलेट किया जिसमें 163 किलो सरिया लगेगा अगर आपका सिंगल में से, तो दोस्तों अगर डबल में से तो इसका डबल सरिया लगेगा क्योंकि सेम जाली ऊपर से कवर हो जाती है। तो आपको डबल मेश का अगर निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर इन दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको कि कैसे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। जैसे ही हम यहाँ पे एक्स डायरेक्शन बदलते हैं, यहाँ पर हम एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर डालते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ बदल रहा है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जब से ही हमने यहाँ पे 5 मीटर किया है ये कटिंग लेंथ जो हमारी 3.90 थी वो 4.90 में बदल गई है। इसी तरह वाई डायरेक्शन में अगर कोई भी चेंजेस करते हो, यहाँ पर मैंने 4 मीटर एंटर किया तो ये वाई डायरेक्शन भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बदल जाएगा। और देखिए दोस्तों पहले 163 किलो सरिया लग रहा था, अब यहाँ पर 263 किलो सरिया लग रहा है इस फुटिंग को बनाने में। तो बिल्कुल दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी फुटिंग का डाटा यहाँ पुट करना है और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि आपकी फुटिंग को बनाने में कितना सरिया लगने वाला है। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से आप फुटिंग का सरिया कैलकुलेट कर पाओगे। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका अगर सपोर्ट रहा तो ज़रूर हम ग्रो करेंगे, तो बिल्कुल अपना सपोर्ट और प्यार हमें दिखाते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।